शबनम जी, बिहार में भारतीय जनता पार्टी बहुत विचित्र स्थिति में फंस गई जाति आधारित जनगणना को लेके। वहां आरजेडी ने ऑफिशियली कहा नीतीश बाबू से कि आप इस पर स्टैंड लीजिए, राज्य सरकार जाति आधारित जनगणना कराए, बीजेपी अगर आपसे हटती है इस मुद्दे पर तो हम विधानसभा में आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी सरकार टिकी रहेगी, क्योंकि आरजेडी के पास बीजेपी से ज्यादा विधायक है। वही मुद्दा अखिलेश यादव बनाएंगे उत्तर प्रदेश में जाति आधारित जनगणना, और ये एक ऐसा इमोशनल इशू है जिससे वो पूरे देश भर का पिछड़ा बहुत शिद्दत से जुड़ता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी शबनम जी? सबसे पहले हम जनता के बीच जाकर इस बात का मैसेज देंगे कि जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए किसी एक जाति विशेष को केवल लाभ देने का काम किया और अन्य जातियों को पिछड़ी और दलित कर बार बार चला, चाहे वो बसपा हो या सपा हो, ये छत्रक पार्टियां ने अपना घर भरा ना कि जनता के, और अब जाति जनगणना इसी बेसिस पे करना चाहते हैं कि ये वोट बैंक ही जैसे मुसलमान। नहीं तो जाति जनगणना को बुराई नहीं, वैसे मान लो बुराई क्या नहीं, अगर हम सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पे चलते हैं बुराई है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जाति जनगणना करके हम उस पर राजनीति करें, हम वोट बैंक नहीं, बुराई भी नहीं है, मतलब बुराई भी क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि अगर देश में जाति और धन के नाम पे हम बांटने लगे तो ये बुराई नहीं, तो इसमें कौन सा उत्थान है देश और प्रदेश का, ये भी मुझे समझ में नहीं। ठीक शबनम जी, मैं सचिन के पास चलूंगा, कांग्रेस के पास। उससे पहले एक बात कहूं, इसको थोड़ा सा और क्लियर विजन के साथ हमको समझना चाहिए। देश में वर्ग आधारित जनगणना हो रही है, एससी कितने शेड्यूल कास्ट, एसटी कितने शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी कितने अदर बैकवर्ड कास्ट, अपर कास्ट कितने, माइनॉरिटी कितने, ये गणना तो कर ही नहीं साफ साफ। ऐसा तो नहीं कि हिंदुस्तानी कितने, एक ही फार्म एक ही कॉलम, ऐसी जनगणना तो कोई भाई के लाल कराया नहीं कि जिसमें लिखा जाए भाई हिंदुस्तानी इतने, ना उसमें आता है बुद्धिस्ट इतने, जैन इतने, नव बौद्ध इतने, सिख इतने, मुसलमान इतने, आता है ना लिख के। जब आता है तब कोई हिमालय नहीं पलट गया तो इसमें क्या पलट जाएगा, आता है ना एससी कितने एसटी कितने। और जब हम वजीफा बांटते हैं, आपका तो नहीं पता मुझे सचिन बाबू, लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वजीफा आता था जो दलित वर्ग के लिए है, तो उसमें वो जाति मेंशन होके आती थी डीआईओस के यहां से। मैं यहां नाम ले दूंगा तो हो सकता है मुझ पर मुकदमा हो जाए, लेकिन क्लास में नाम पढ़ा जाता था भाई, वहीं से योजनाएं चलेंगी ना। तो जब इतने डिवीजन है तो ये भी एक हो जाए, अगर मांग है इतने बड़े समुदाय की देश के, तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात। सचिन, कांग्रेस पार्टी इस पर क्या रुख रखती है, क्योंकि ये मुद्दा अभी राज्यों में जा रहा है, लेकिन मेरी सिक्स सेंस कहती है 24 के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनेगा जाति आधारित जनगणना, पूरब से पश्चिम दक्षिण से उत्तर तक ये मुद्दा बनेगा और हर पार्टी को इस पर जवाब देना होगा। सचिन रावत, कांग्रेस इस पर क्या रुख रखती है? बिल्कुल अमिताभ जी, जाति जनगणना होनी चाहिए, और मैं आपको बताना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की कमेटी ने स्पष्ट तौर पे एक कमेटी बना दी है, जो पूरे भारत देश में जहां जहां हमारे सरकारें हैं और जहां पे जहां सरकारें नहीं है वहां के डेलीगेशन से बातचीत हो रही है कि जाति जनगणना कैसे कराई जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो करा नहीं पाएगी, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में आएगी 24 में तभी करा पाएगी। लेकिन मैं एक और बात आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जैसे नाहिद जी ने कहा कायर समाज, देखिए कायर वो होता है जो स्वार्थी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, और मैं इनको बताना चाहूंगा कि आज समाजवादी पार्टी को दलित पिछड़ों की याद आ रही है, आदिवासियों की याद आ रही है, जब हाथरस में दलित बेटी का रेप हुआ था उसकी रात को कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि जो नेता जो जिस वर्ग के नेता सपा या अन्य दलों में जा रहे हैं वो उस वर्ग को केवल आप
उन्होंने जो सबसे पहले अगर कोई जाने का काम किया था श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, हम लोग हर मुद्दे पर सरकार से लड़ाई लड़ते हैं और नारी जी बैठ करके दलित पिछड़ों से राजा लाप रही है। अरे अपनी पार्टी को देखिए, जो एसी में बैठ करके सुनेट लाते की चूस चूस खेलने से लड़ने का काम कोई करता है तो प्रियंका गांधी जी करती है। ये क्या जवाब देगी? मैं तो खुद कह रहा हूँ, तब से एसी आ जा रही थी, 2 किलोमीटर साइकिल चला के घर के अंदर बैठ जाते हैं। दलितों की लड़ाई लड़ने की बात होती है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने की बात होती है, आदिवासी की लड़ाई लड़ने की बात होती है, कांग्रेस पार्टी लड़ती है। ये समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी, समाजवादी पार्टी के फ्लायर होंगे, उनसे लड़ने का काम करेगी। मैं तो कह रहा हूँ, अच्छी बात है कम से कम टायरों से लेकर के टायरों का कुनबा तैयार कर रही है और निश्चित तौर पर टायरों का कुनबा एक ना एक दिन ठटका जरूर है, वो कुनबा आप बना लीजिए, आप अपने रखिए टायर, हम लोग अपनी नई लीडरशिप डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की महिलाएं ही दशा दिशा तय करने वाली है। मुझे मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आपका, क्योंकि आप एक महिला है और स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी की। शबनम जी का भी मैं सम्मान करता हूँ क्योंकि महिला नेतृत्व करे ये अच्छी बात है। यही तो प्रियंका गांधी जी कह रही है कि आधी आबादी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए हर क्षेत्र में, और इसका मतलब है आने वाले सचिन आवाज एक मिनट शबनम जी आ रहे हैं। एक बात कहूं, ये मेरी बिना मांगे सलाह है, प्रियंका जी का राजनीतिक कद और बढ़ जाता, उनके वचन की प्रामाणिकता और मजबूत हो जाती, विश्वसनीयता और गहरी हो जाती, अगर वो पंजाब में 40% टिकट महिलाओं को दिला देती, चन्नी को बोलकर, सिद्धू को बोलकर, ठीक, तो जय जय हो जाती, पूरे देश में कहा जाता कि प्रियंका जो कहती है वो करती हैं। उत्तर प्रदेश में लोग मालूम क्या कह रहे, हम भी इसी प्रदेश में रहते हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं भाई इतने वर्षों से, लोग कहते हैं भैया यहाँ 40 क्या, यहाँ तो मान लो 90% दे दो महिला को चाहे पुरुष को, कोई फर्क पड़ रहा है उससे? अभी स्थिति यह है उत्तर प्रदेश में, आपका फर्क पड़ेगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब, इन राज्यों में अगर आप जिस दिन 40-50% महिला को टिकट देंगी प्रियंका जी, उस दिन उसका मैसेज देश भर में जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा मित्र, क्या? क्योंकि जहां आप मजबूत नहीं वहां चैरिटी करने की घोषणा क्यों? जहां आप मजबूत हैं, जहां महिला को विधानसभा भेज सकते हैं, यहां तो पुरुष महिला कोई नहीं विधानसभा पहुंच रहा, आपका 7 आए थे कुल, बताओ 7 ही आए थे ना दोस्त, तो महिलाएं कैसे भरोसा कर लेंगी? मसला है, इसको प्रियंका जी को आप पहुंचाओ, इस सुझाव को वहां से शुरुआत करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। केपी दुबे, आपको लगता है कि जाति आधारित जनगणना, आज समाजवादी पार्टी ने अपनी साइकिल का हैंडल पूरी तरह से जाति आधारित जनगणना की ओर मोड़ दिया है, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में निर्णायक मुद्दे के तौर पर उभरेगा, क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर उभरेगा तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या पैदा करेगा, क्योंकि उसको स्टैंड लेना होगा तो पूरे देश के लिए लेना होगा। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल आपने सही कहा, और आज की राजनीति के लिए मुझे दिनकर की एक लाइन याद आ रही है जी, कि विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में।